ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में हुई पीएससी की परीक्षाएं विवादित रही है, हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए लेकिन रमन सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जब से सरकार में आए हैं तब से लगातार सारी परीक्षाएं हो रही है। सीएम ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, यह बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता साथ में स्पेशल प्लेन से दिल्ली गए हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली रवाना हो गए हैं। इसके पहले आज बैठक में कांग्रेस के प्रत्याशियों पर एक एक कर चर्चा हुई। बैठक में हर विधानसभा से सिंगल नाम तय करने को लेकर चर्चा हुई है। सरकार में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार और अधिकारियों के, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, एक भी मंत्री एक भी विधायक किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो सरकार के इसमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, अधिकारियों के बारे में तो वो कोर्ट में जवाब वो लोग दे रहे हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी पीएससी के एग्ज़ाम जितने भी हुए सारे के सारे विवादित रहे, हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की रमन सिंह ने, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसका मतलब यह है गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी है तो उस आधार पर कार्रवाई करना था। आज रमन सिंह आज किस आधार पर बयान कर रहे हैं, उसके कौन से ऐसे पीएससी के एग्ज़ाम है जो विवादित ना रहा हो, ये बताएं। और हम लोग सरकार में आए लगातार पीएससी व्यापम के सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी अब किसी ने लगा दिया आरोप के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हैं शिकायत करिए, हम जाँच कराएँगे। एक शिकायत कर नहीं रहे, इनको केवल राजनीति करना है। चौथी बात, रमन सिंह जी, एक महत्वपूर्ण अभी घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट लीक हो गया। लीक हुआ कि लीक कराया गया, महत्वपूर्ण बात यह है, यदि लीक हुआ है लीक नहीं कराए होते तो अभी तक के जिन जो मीडिया हाउस इसको दिखाए हैं उनके घरों में ईडी आईटी पहुंच चुकी होती। वो लीक कराया गया है ताकि लोगों को ये जिस नाम दे दो उसके बाद विरोध करा लो, उसके बाद बोलो भाई अब तुम्हारा तो विरोध हो रहा है, तुम्हारा काट रहे हैं। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और उसमें हम लोग सब जा रहे हैं, तो एजेंडा तो हम लोग पता नहीं है लेकिन एक हैदराबाद के बाद बहुत जल्दी दूसरी मीटिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ विधानसभा से चुनाव से संबंधित होगा या लोकसभा से संबंधित होगा, एजेंडा हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, सभी नामों पर चर्चा हुई है, ऐसा थोड़ी है, जितने आयोजन आए सब पे चर्चा हुई, ब्लॉक से जिला से जो रिपोर्ट आया है, सर्वे में जो आया है, जो नेताओं के रिकमेंडेशन है, सबके बारे में विचार विमर्श हुआ। और अब वैसे भी मध्य प्रदेश का सीसी बैठक चल रही है, बड़े राज्य हैं, तेलंगाना भी बड़ा है, हम लोगों को तो छोटा राज्य जल्दी हो जाएगा। ऐसे अभी एक स्क्रीन पीसी की हमारी बैठक हुई, पीसी की लगातार बैठकें हो रही है, उसके बाद स्क्रीनिंग की एक बैठक हो चुकी है, दो बैठकें हुई, एक बार और आए थे, दूसरा राजीव भवन में हुआ था, तो स्क्रीनिंग के बाद फिर सीसी में वो फाइनल होगा। दूसरी बात यह है कि अभी पूरे सबसे पहली बात यह है कि इतिहास में पहली बार पावर कंपनी फायदे में आया, दो तिमाही में 274 करोड़ की कमाई की, तो इसके लिए विद्युत मंत्री जी बैठे हैं, खड़े हैं आपके साथ, उनको और पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। दूसरे महत्वपूर्ण खबर यही है कि मणिपुर के बाद, मणिपुर तो लगातार जल ही रहा है, हम मेघालय और असम में भी, नागालैंड में भी अब कर्फ्यू
रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। मतलब ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रहा है। जो सेवन सिस्टर हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का, अब उसमें से चार प्रदेश इससे प्रभावित हो गए हैं। तीसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पीएससी के मामले में बात कर रहे हैं, अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।